अच्छा, आप लोग बोल रहे थे कि दीदी कोई बताओ आप सेक्शनल के लिए, तो ये देखो ओली बोर्ड ने लॉन्च किया है स्पीड इम्प्रूवमेंट टेस्ट, है ना। इसमें क्वांट के भी रहेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको ज़रूर इसे देना चाहिए। इसका लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट दोनों जगह पर, आप लोग इसे दीजिए और अपने अपने स्पीड देखिए कि आपकी स्पीड हर सेक्शन में कितनी ज़्यादा आती है। जितने ज़्यादा आप सेक्शन लगाओगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होती है, इम्प्रूवमेंट होती है। तो सो गाइज, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 20 रहेंगे और एक नंबर मिलेंगे करेक्ट के लिए और रॉन्ग के लिए मिलेंगे 0.25। तो 20 नंबर के हैं, तो देने में बहुत ही आपको देने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेक्शनल बहुत ही ज़्यादा देने चाहिए। तो लिंक इसका। हाय गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम टू विलेज गर्ल सोनी चैनल। तो मैं बहुत ज़्यादा अधिक अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है एडिटोरियल के क्लासेस, तो पता ही है आपको क्या करना है। आप चाहो तो शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच, क्योंकि नॉलेज बांटने ही से बढ़ती है। तो आपको नॉलेज बांटनी चाहिए और बतानी चाहिए कि विलेज गर्ल सोनी क्लासेस ले रही है। तो अच्छा लगे तभी करना है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात ही नहीं है। और टेंशन नहीं लेना है शेयर का, पहले पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, बोल्ड गैम्बल ऑन अनाउंसमेंट ऑफ चन्नी एच पंजाब सीएम कैंडिडेट। देखो, दो तीन चीज़ मैं आपको बतानी चाहती हूँ, ठीक है। पहली बात, जैसे हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो पैसेज आता है, पैसेज में हमसे पूछा जाता है एंटीनोम और साइनोनिम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में किसी वर्ड का क्या हिंदी मीनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग एंटीनोम साइनोनिम लगा देते हैं। वो हमेशा गलत वे होता है। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं भी सेम करती थी, और मेरे इंग्लिश में स्टार्टिंग में एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा गंदी होती थी। बाद में जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू किया तो पता चला कि मेरा तो तरीका ही गलत है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे है गैम्बल, ठीक है। अब यहाँ पे पूछे कि साइनोनिम बताओ गैम्बल का। अब आपने बोला कि गैम्बल मतलब एक होता है कि जुआ खेलना, ठीक है ना, जुआ खेलना होता है ना। तो आप उसका, आपके दिमाग में तो ये रहेगा कि जुआ खेलना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड मीनिंग वहाँ पे अगर दिया रहेगा तो आप तो तुरंत लगा देते हो, ठीक, लगा के चले आओगे, बोलोगे कि हाँ मैंने सही लगाया था। लेकिन हमें क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पे देखो, इलेवेशन, इलेवेशन मतलब होता है पदोन्नति, यानी कि थोड़ा सा ऊँचा उठना, ठीक है, आगे बढ़ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हुआ इलेवेशन, है ना। अब हमारा इलेवेशन मतलब होता है कि आगे बढ़ना, ठीक है। अब हम चाहे ऊंचा उठना, अब जैसे कि इलेवेशन का ये साइनो दे दिया आपका हाइट, HEIGHT, हाइट मतलब भी क्या होता है, ऊंचा होता है। अब हम सोचेंगे कि हाइट मतलब भी ऊंचा, इलेवेशन मतलब भी ऊंचा, क्यों ना यही इसका साइनो ने हुआ, लगा के चले हैं। नहीं, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। एक अंग्रेजी वर्ड मीनिंग का हिंदी में 6-7 मतलब होते हैं। हमें ढूंढना होता है कि पैसेज के अकॉर्डिंग, एडिटोरियल के अकॉर्डिंग उसका मतलब क्या है, समझ में आई ना बात, उसी के अकॉर्डिंग हमें लगानी होती है। जैसे यहाँ पे बोल्ड गैम्बल, बोल्ड गैम्बल, गैम्बल मतलब यहाँ पे होता हो रहा है कि रिस्क लेना, चांस लेना, जोखिम उठाना, एक ऐसा डिसीजन लेना जो कि क्या है, बोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो, नीचे यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक सेकंड देखो, गैम्बल यहाँ पे दिया हुआ है ना, जोखिम, रिस्क, चांस, हजार्ड मतलब खतरा, है ना, स्पेकुलेशन भी दिया हुआ है कि अटकलबाजी लगाना। तो यहाँ पे 4-5 वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं इसके मतलब, लेकिन हम क्या लगाएंगे जो हमारे एडिटोरियल में है। तो एडिटोरियल में क्या है, बोल्ड, बोल्ड मतलब ऐसा कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि साहसीपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ना, कॉरेजियस, कॉन्फिडेंट, फियरलेस, रेडी टू टेक रिस्क, है ना। तो ऐसा कुछ जो साहसपूर्ण है, और रिस्क क्या है, यहाँ पे गैम्बल मतलब होता है रिस्क लेना, चांस लेना, हजार्ड नहीं होगा, खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा, स्पेकुलेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है कि ऐसा चांस जो कि क्या है, साहसी है, ऐसा डिसीजन जो कि क्या है, साहसी है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लगाएंगे अपना साइनोनिम। जैसे यहाँ पे गैम्बल, गैम्बल का साइनोनिम्स अगर पूछा तो रिस्क भी ले हो सकता है और चांस भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि आपका जो वर्ड है, पार्टिकुलर वर्ड, उसका क्या मीनिंग है, एडिटोरियल हो चाहे पैसेज में, उसके ही अकॉर्डिंग एंटीनम और साइनोनिम लगाते हैं, ठीक है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोल्ड गैम्बल मतलब साहसीपूर्ण, चांस, रिस्क, ठीक है। ऐसा कौन सा चीज़ लिया गया जो कि साहसीपूर्ण है, ऑन अनाउंसमेंट, ठीक है, ऑफ चन्नी एज पीएम, एज पंजाब सीएम कैंडिडेट, ठीक है। तो जो पंजाब के कैंडिडेट के रूप में
चन्नी जी को अनाउंसमेंट किया गया है, उसको बोल रहा है कि ये क्या है, एक साहसी मूव है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ चन्नी एज सीएम कैंडिडेट वॉज फोर्स्ड ऑन कांग्रेस बट इज द राइट डिसीजन। देखो, जो प्रोजेक्शन था चन्नी जी का, ठीक है, सीएम कैंडिडेट के रूप में, वो क्या था, फोर्स्ड है, यानी कि कांग्रेस चाहती नहीं थी कि मैं इनका नाम लूँ, लेकिन उन पे दबाव दिया गया तो उन्होंने नाम लिया कांग्रेस पार्टी में। लेकिन ये क्या है, एक राइट डिसीजन है। ये बताना चाहते हैं हमारे ऑथर कि जो प्रोजेक्शन था कि चन्नी जी को सीएम कैंडिडेट के रूप में बताया जाए, वो क्या था, फोर्सफुल था, लेकिन एक राइट डिसीजन था। अब थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हमारा नाउन हुआ, नाउन इस वजह से हुआ कि सब्जेक्ट, देखो पहला तो ये हो गया कि सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा आप ये देख सकते हो कि आर्टिकल किसके पहले लगता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है, तो प्रोजेक्शन हमारा नाउन ही तो हुआ। अब प्रोजेक्शन ऑफ, यानी कि प्रोजेक्शन मतलब होता है एक, आप बोल सकते हो अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाना क्या, किस चीज़ का अनुमान लगाना, इसलिए ऑफ लगा, चन्नी का अनुमान लगाना है एज सीएम कैंडिडेट वाज फोर्स्ड, यानी कि ये जो प्रोजेक्शन हुआ है वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये क्या हुआ है, प्रोजेक्शन आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो जो काम ऑलरेडी हो चुका है वो पास्ट में गया, पास्ट में गया, इसलिए यहाँ पे वॉज लगा। अब ये क्वेश्चन पूछो कि वॉच के साथ भीवन लगता है, आखिर भीथरी क्यों लगा, पूछोगे ना क्वेश्चन कि भीथरी आया तो क्यों आया। देखो, ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है, वो डिसीजन खुद ब खुद हुआ नहीं था, उसको लिया गया था। तो कोई सब्जेक्ट पे के ऊपर अगर कोई काम होता है तो वो पैसिव फॉर्म में लगता है और वो जाता है भीथरी में। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए भीतरी लगा है, यानी कि वाज फोर्स्ड ऑन कांग्रेस, यानी कि फोर्स किया गया था किस पर, कांग्रेस पर, तो यहाँ पर के लिए आया ऑन। ठीक है, बट लेकिन ये क्या है, इज द राइट डिसीजन, यह क्या है, एक सही डिसीजन है, सही निर्णय है। आगे पढ़ते हैं। इफ द एलिवेशन ऑफ चरणजीत सिंह चन्नी एज चीफ मिनिस्टर इन सेप्टेम्बर 2020 वॉज एन एक्सीडेंटल आउटकम ऑफ इंटरनल राइवलरीज इन कांग्रेस द पार्टीज अनाउंसमेंट, आपको छोटा दिख रहा होगा, एक सेकेंड मैं बड़ा कर देती हूँ, अनाउंसमेंट डैट ही वुड कंटिन्यू द पोस्ट इफ इट विंस द असेंबली इलेक्शन इज अ बोल्ड गैम्बल। ठीक है, अब चीज़ों को समझना क्या कह रहे हैं। इफ द एलिवेशन, यानी कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक हम, मैं पहले पूरा बताती हूँ फिर हम लोग लाइन बाई लाइन समझते हैं क्या कर रहे हैं, कि जो चरणजीत सिंह चन्नी का जो चीफ मिनिस्टर के रूप में एलिवेशन हुआ, पदोन्नति हुआ, ठीक है, कब हुआ, 2021 में हुआ, सितंबर में, वो क्या था, एक्सीडेंटल था, यानी कि वो होना नहीं था लेकिन हो गया, वो एक्सीडेंटल आउटकम था, यानी कि परिणाम ऐसा था जो ना चाहते हुए भी हो गया, आउटकम मतलब होता है परिणाम, और ये परिणाम क्यों हुआ, इंटरनल राइवलरीज, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही क्या था, कंपटीशन था, विद्रोह था, राइवलरीज मतलब कंपटीशन, विद्रोह। द पार्टी अनाउंसमेंट, जो पार्टी का अनाउंसमेंट था कि वो क्या करेंगे, पोस्ट को विन कर, वो इस पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे अगर कांग्रेस जीतती है, कौन सी इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, ये क्या है, एक बोल्ड गैम्बल है, यानी कि एक साहसीपूर्ण निर्णय है। ठीक है, गैम्बल यहाँ पे निर्णय हो गया। अब देखो, अब चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, अब इलेवेशन हमारा यहाँ पे नाउन हुआ क्योंकि आर्टिकल द लगा है, तो जो इलेवेशन हुआ किसका हुआ, चरणजीत सिंह चन्नी का, कैसे हुआ, चीफ मिनिस्टर के रूप में हुआ, कब हुआ, इन सितंबर 2021 में हुआ। ठीक है, तो ये काम ऑलरेडी हो चुका है, वाज इसलिए लगा, ठीक है, यानी कि पास्ट में गया। ये कैसी घटना थी, एक एक्सीडेंटल आउटकम थी, एक ऐसा परिणाम था जो कि एक्सीडेंटल हो गया, यानी कि ना चाहते हुए भी हो गया। अब क्यों हो गया, ऑफ इंटरनल राइवलीज, यानी कि जो इंटरनल राइवलीज अंदरूनी विद्रोह था, इंटरनल राइवलीज कहने का मतलब अंदरूनी विद्रोह था, किस में था, इन कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर में था, है ना, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या। अब देखो, चरणजीत सिंह संधू, ये आप चन्नी आपका नाउन हुए, ठीक है, अब इसके बाद एक्सीडेंटल आउटकम, आउटकम अपना क्या हुआ, नाउन हुआ, ये नाउन कैसा था, एक्सीडेंटल था, एडजेक्टिव हुआ, नाउन की विशेषता तो बता रहे हैं ना कि कैसा नाउन था, एक्सीडेंटल नाउन था, तो वो क्या हुआ, अपना एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए,
और ये पूरा सेंटेंस आपका किस में गया है, पास्ट में गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। द पार्टीज अनाउंसमेंट, जो पार्टी की अनाउंसमेंट, इसलिए यहाँ पे पार्टी का अनाउंसमेंट लगा। डैट की ही वुड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करेंगे ठीक है, इन द पोस्ट, इस पोस्ट पर, इस पोस्ट में, इफ इट, इट किसके लिए लगा, कांग्रेस के लिए लगा, कांग्रेस के लिए इट लगा ठीक है। आप ढूंढोगे ना कि इट आया तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, नाउन कहाँ है, तो कांग्रेस आपका नाउन हुआ ठीक है। इफ इट विंस, अगर यह जीतती है, क्या जीतती है, द असेंबली इलेक्शन, अगर यह असेंबली इलेक्शन जीतती है तो ये डिसीजन क्या है, इज अ बोल्ड गेम ठीक है। अब देखो ये इज किस लिए लगा, इज इसलिए लगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, पार्टी का अनाउंसमेंट, जो कि सिंगुलर है, यानी कि जो पार्टी का अनाउंसमेंट था वो सिंगुलर है, इसलिए हमारा यहाँ पे लगा क्या, इज लगा। अब देखो गैम्बल हमारा नाउन हुआ, और ये नाउन कैसा है, बोल्ड है, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को बात ठीक है। द कांग्रेस हैज़ बीन रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब होता है कि अपने आप को दूर रखना ठीक है, या फिर मौन रखना है ना। तो कांग्रेस क्या रही है, मौन रही है, चुप रही है हमेशा से, किस में, इन प्रोजेक्टिंग अ सिंगुलर लीडर इन एनी स्टेट, यानी कि प्रोजेक्शन देने में, यानी कि प्रोजेक्ट करने में, बताने में एक सिंगुलर लीडर को, यानी कि किसी भी एक लीडर को, वो किसी भी स्टेट में नाम नहीं लेती है। और वो कांग्रेस क्या होती है, शांत रहती है, चुप रहती है, क्या रहती है, शांत रहती है। अब देखो यहाँ पर रेटिसेंट का कितना सारा वर्ड मीनिंग होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो संकोची, रिस्ट्रेंड, साइलेंट है ना। तो प्रोजेक्ट, अनुमान लगाना, फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना, लेकिन यहाँ पे रेटिशेंट का मतलब होता है क्विट, यानी कि चुप रहना ठीक है, चुप रहना इसका मतलब हुआ। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग क्या करेंगे, एंटीनोम और साइनोनिम लगाते हैं। तो कांग्रेस क्या रही है, चुप रही है। अब बताओ कि हैज़ बीन क्यों लगा यहाँ पे, हैज़ बीन इसलिए लगा कि कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है, यानी कि पास्ट में भी वो चुप थी और अभी भी चुप रहने का उनका काम है, काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे हैज़ बीन लगा ठीक है ना। तो कांग्रेस क्या रही है, शांत रही है, यानी कि क्यूट रही है, किस चीज़ में क्यूट रही है, इन रही है, इन क्या है, अपना प्रीपोजिशन है, इस वजह से यहाँ पे आईएनजी लगा प्रोजेक्टिंग में। ए सिंगुलर लीडर इन एनी स्टेट, यानी कि किसी भी सिंगुलर लीडर को एक किसी स्टेट में नाम बताने से वो क्या रही है, मौन रही है कांग्रेस। अब देखो नाउन क्या हुआ, नाउन अपना हुआ द कांग्रेस ठीक है, क्योंकि कांग्रेस से स्टार्ट हो रहा है। रेटिशेंट, रेटिशेंट मतलब होना है चुप रहना। तो कांग्रेस कैसी है, चुप है, यानी कि कांग्रेस की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ है ना। प्रोजेक्ट हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड हैज़ ऑफन टेकन द प्ली डेट इट बिलीव्ड इन कोलेक्टिव लीडरशिप, और हमेशा इसने, प्राय ऑफन मतलब होता है प्राय, इसने याचिका दी है, यानी कि इसने बोला है, क्या बोला है, हैज किसके लिए लगा, कांग्रेस के लिए लगा ठीक है। और इसने क्या बोला है, हमेशा क्या बोला है, डैट कि इट बिलीव्ड, इट किसके लिए लगा, कांग्रेस के लिए लगा। इट बिलीव्ड, या बिलीव्ड करती थी, किस में करती थी, इन कलेक्टिव लीडरशिप, यानी कि ये बिलीव करती है कलेक्टिव लीडरशिप पे, यानी कि ये बोल रही है कांग्रेस कि मैं किसी एक पर्सन को अपना लीडर नहीं मनाता हूँ, हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में, यानी कि मिलजुल के हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार चलाती है, हम लोग किसी भी एक का नाम नहीं लेते हैं, है ना, ऐसा कांग्रेस करती आ रही है। द अनाउंसमेंट, जो ये अनाउंसमेंट हुआ ठीक है, ऑफ अ सीएम कैंडिडेट, अनाउंसमेंट यहाँ पे क्या हुआ, नाउन हुआ ठीक है। तो जो अनाउंसमेंट हुआ, किस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ, सीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ, ऑफ अ सीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट, दाउ नॉट अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले नहीं हुई है ना, तो ये कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ नहीं है। इज़ रेयर फॉर द कांग्रेस, लेकिन ये क्या है, रेयर है। इज किसके लिए लगा, यहाँ पे अनाउंसमेंट, द अनाउंसमेंट इसका सब्जेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब इज है ठीक है। तो जो ये सीएम पद का जो अनाउंसमेंट हुआ वो क्या है, अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, यानी कि ऐसी कोई यूनिक बात नहीं है, लेकिन क्या है, ये रेयर है, यानी कि बहुत कम होता है ऐसा ठीक है। किसके लिए होता है, फॉर किसके लिए, कांग्रेस के लिए ये रेयर होता है। एंड दिस इंस्टेंस नेसेसिटेड बाय द यूनिकली वोलेटाइल सोशल डायनेमिक इन पंजाब एट द मोमेंट। अब क्या कह रहा है कि जो ये अनाउंसमेंट है सीएम कैंडिडेट का, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ये रेयर है, लेकिन
इस मामले में जो ये इन दिस इंस्टेंट इंस्टेंट मतलब कहने का मतलब मामला इस इन दिस इंस्टेंट नेसेसिटेटेड बाय ये क्यों जरूरी हो गया, क्यों जरूरी किया गया है ना, बाय यूनिकली वोलाटाइल सोशल डायनेमिक इन पंजाब एट दिस मोमेंट, यानी कि पंजाब में जो वोलाटाइल अस्थिर सोशल डायनेमिक है ठीक है, उसके कारण कांग्रेस को ये चीज़ें करने पड़ी कि अपने सीएम पद का उम्मीदवार बताना पड़ा कि हमारे सीएम पद के उम्मीदवार कौन होंगे, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे ठीक है। तो देखो फिर से समझते हैं, इन दिस इंस्टेंस नेसेसिटेटेड बाई जरूरी किया गया यूनिकली मतलब यूनिक कुछ अलग तरीका वोलाटाइल मतलब अस्थिर सोशल डायनेमिक यानी कि सामाजिक जो वहाँ पे वातावरण है इन पंजाब एट दैट मोमेंट यानी कि इस समय पे जो अस्थिर सामाजिक वातावरण है पंजाब में उसके कारण कांग्रेस को ये चीज़ करनी पड़ी ठीक है। अब आगे समझते हैं, इंट्रेंच्ड सोशल अलाइनमेंट यानी कि लंबे समय से स्थापित जो वहाँ पे सामाजिक गठजोड़ है इन द स्टेट में अपीयर टू बी अनरेवलिंग यानी कि वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अनरेवल मतलब होता है सुलझता और इंट्रेंच मतलब होता है लंबे समय से स्थापित, सोशल अलाइनमेंट मतलब सामाजिक गठजोड़, तो जो लंबे समय से वहाँ पे सामाजिक गठजोड़ है वो लग रहा है कि अब सुलझ रहा है। देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंट्रेंच्ड सोशल अलाइनमेंट्स, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, अपीयर हुआ ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं, एंड द कांग्रेस इज ट्राइंग टू नीट टुगेदर अ वाइबल इलेक्टोरल मेजोरिटी, और कांग्रेस क्या कोशिश कर रही है, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि नीट मतलब एक साथ बांध सकें ठीक है, जोड़ सकें, टुगेदर अ वाइबल यानी कि ये पॉसिबल इलेक्टोरल मेजोरिटी यानी कि जो चुनावी मेजोरिटी है उसको एक साथ ला सके अपने खेमे में यानी कि कांग्रेस पार्टी में इलेक्टोरल मेजोरिटी हो सके, चुनावी मेजोरिटी हो सके, इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है, कोशिश कर रही है विद अ दलित फेस एज इट्स एक्सिस यानी कि इनका जो फेस है, जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है, एक्सिस कहने का मतलब मेन मुद्दा मेन पॉइंट ठीक है, तो उनका मेन पॉइंट क्या है, मेन मुद्दा क्या है जिसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सामाजिक जो इलेक्टोरल चुनावी गठजोड़ है मेजोरिटी है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसको लेके, एक दलित फेस को लेके, और वो दलित फेस कौन है अपने, ये है अपने चन्नी एच चरणजीत सिंह चन्नी ठीक है। अब ठीक से मैं समझाती हूँ, देखो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, वो क्या कर रही है कि एक साथ लाए, क्या साथ लाए, जो इलेक्टोरल मेजोरिटी है यानी कि जो चुनावी मेजोरिटी है उनकी हो, ये कोशिश कर रही है यानी कि उनकी मेजोरिटी है, कैसे कोशिश कर रही है, एक दलित फेस के साथ ये कोशिश कर रही है कांग्रेस, यहाँ पे सब्जेक्ट है नाउन का काम कर रहा है। अब ये ट्राइंग अपना, ट्राई कोशिश करना, ये तो वर्ब ही है सबको पता है, नीट अपना क्या है, ये भी वर्ब है ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, अब देखो आगे पढ़ते हैं, पंजाब हैज क्लोज यानी कि पंजाब के पास लगभग है क्या है, 32% पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी यानी कि पंजाब में कितने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उनके परसेंटेज क्या है, 32% है, वाइल द जाट सिख पॉपुलेशन इज ओवर 20%, लेकिन जबकि क्या है, जाट सिख पॉपुलेशन वहाँ कितनी है, 20% से ऊपर है ना, बट सिंस 1977, अब ये बताओ कि सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, जब सिंस लगता है जब हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट हो कि ये काम इतने टाइम से, जैसे मैंने बोला कि मंडे से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मंडे में मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, जैसे 1920 से मैं गाना गा रही हूँ तो 1920 से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, तो जब पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है तो वहाँ पे हम लगाते हैं सिंस, तो यहाँ पे 1977 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन 1977 से द स्टेट हैज़ नेवर सीन अ जाट नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर यानी कि जो पंजाब सरकार है, जो सरकार है, जो स्टेट है पंजाब, उसने कभी नहीं देखा है क्या एक नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर यहाँ, यानी कि 1977 से वहाँ पे कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर बना ही नहीं जो कि नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर हो ठीक है, चाहे वो बी इट मतलब चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या फिर श्रीमानी अकाली दल पार्टी का हो ठीक है, इंडिकेटिंग द पोलिटिकल डोमिनेंस ऑफ द
जाट सिख कम्युनिटी, और यह क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, इंडिकेटिंग मतलब कर रहा है, यानी कि अभी भी जो ये आपका डेटा दिया गया, ये डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेंस है, डोमिनेंस मतलब होता है प्रभाव, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है, चुनावी प्रभाव है किसका, जाट सिख कम्युनिटी का है। ओके, ज्ञानी जेल सिंह वॉज द लास्ट, अच्छा लास्ट आया ना, तो लास्ट के आगे हमेशा द लगता है आर्टिकल, ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह वॉज द लास्ट नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बिटवीन 1972 to 77, यानी कि जो जेल सिंह थे वो क्या थे, लास्ट नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि वो उनकी कम्युनिटी क्या थी, जाट की नहीं थी, और वो चीफ मिनिस्टर थे, कब थे, 1972 से लेके 1977 के बीच में, कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। आगे पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग समरी पढ़ लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखो क्या करें कि जो चरणजीत सिंह संधु थे उनका पदोन्नति किया गया, किसमें किया गया, 2021 में किया गया, सितंबर में, और वो क्या था, एक एक्सीडेंटल आउटकम था, यानी कि ऐसा परिणाम था जो ना चाहते हुए भी हो गया। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस में क्या थी, इंटरनल मतलब आपसी मतभेद थे। अब पार्टी ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया कि ही उड, ही किसके लिए लगा, चन्नी जी के लिए लगा, वो कंटिन्यू करेंगे, क्या कंटिन्यू करेंगे, पोस्ट मतलब सीएम पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे अगर कांग्रेस क्या करती है, असेंबली इलेक्शन जीत जाती है, और ये क्या है, एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस क्या है, हमेशा से चुप रही है किस चीज़ में, एक पार्टिकुलर लीडर को बताने में कि ये हमारा लीडर होगा, सीएम फेस होगा। अब उसने, कांग्रेस ने हमेशा ये बोला है कि हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप पे बिलीव करते हैं, ना। अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ सीएम पद का, ये कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है, रेयर है। रेयर किसके केस में है, कांग्रेस के केस में, क्योंकि हर पार्टी करती है लेकिन कांग्रेस नहीं करती है। अब जो अनाउंसमेंट है सीएम कैंडिडेट का, और ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो पंजाब है वहाँ पे सोशल डायनेमिक थोड़ा बिगड़े हुए हैं, वो क्या है, थोड़ा अलग है, अस्थिर डायनेमिक है पंजाब में। अब जो बहुत दिन से अस्थिर सोशल अलाइनमेंट थी, सामाजिक गठजोड़ थी, अब लग रहा है कि वहाँ पे सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। और जो कांग्रेस है वो क्या कोशिश कर रही है कि हम एक मेजोरिटी में, इलेक्टोरल मेजोरिटी हमारी एक हो जाए, ठीक है। और कैसे वो ये कोशिश कर रही है, एक दलित फेस को अपने आगे करके, है ना, उसके एक्सिस पे रख के, मतलब अपने एक मेन मुद्दा बना के। अब पंजाब में क्या है कि 32% क्या है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, और जाट कितने हैं, जाट पॉपुलेशन कितने हैं, 20% से ऊपर हैं। लेकिन 1977 से जैसे कि नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी 32% है, यानी कि उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं, कहाँ पे, पंजाब में 1977 के। अब उनकी संख्या मात्र 20% है, इसके बावजूद भी वहाँ पे लोग नहीं बने हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर अकाली दल की बात करें, वहाँ पे नॉन जाट चीफ मिनिस्टर कोई 1977 से बना ही नहीं है। अब क्या है कि ये दिखाता है कि वहाँ पे सिख कम्युनिटीज़ का कितना ज़्यादा प्रभाव है। अब जो जेल सिंह थे वो लास्ट नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के, पंजाब के, और वो किस कब बने थे, 1972 से लेके 1977 के बीच में बने थे। अब आप लोग बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी आ रहा है तो पॉज करके बोलो, दीदी समझ में इतना आया, और आप अच्छा पढ़ाते हो। देखो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करो आप लोग, ताकि हमारे जैसे बच्चे हमसे जुड़ सकें, और मेरी जो, मैं इतनी ज़्यादा जो मेहनत कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैक्सिमम बच्चे मुझे जाने और देखें कि जीरो से हीरो बना जा सकता है, ठीक है। एक हिंदी माध्यम से पढ़ी हुई लड़की आपको अंग्रेजी पढ़ा रही है, और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रही है, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बस गैज यही है, और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ आप लोग को कोई सजेशन हो एडिटोरियल में कि मैं और कुछ अच्छा कर सकूं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा देखो, द कांग्रेस हैज़ यूजली साइड अवे मतलब दूर रहना। कांग्रेस क्या रहती है, हम मतलब यूजुअली, ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि वो दूर रहिए फ्रॉम प्रोनाउंस सोशल जस्टिस
पॉलिटिक्स, यानी कि सामाजिक जस्टिस पॉलिटिक्स से वो क्या रही है, हमेशा दूर रही है ना। तो कांग्रेस क्या रही है, दूर रही है। किससे दूर रही है, यूजुअली दूर रही है ना, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स से हमेशा वो क्या रही है, दूर रही है। अब यहाँ पर कांग्रेस अपना नाउन हुआ है ना, कांग्रेस अपना क्या हुआ, नाउन हुआ। और साइड अवे आपको पता ही है फ्रेजल वर्ब हुआ है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एंड इन द दैट सेंस, और इस सेंस से दिस इज एन ऑडिशियस मूव। ये क्या है, एक ऑडिशियस मतलब साहसीपूर्ण क्या है, मूव है, मतलब साहसीपूर्ण काम है ना। विच विल हैव रिपल इफेक्ट्स इन द स्ट्रेटजी एल्सवेयर टू। इसका क्या होगा, रिपल मतलब होता है कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इफेक्ट जो कंटिन्यूस चले, ठीक है। तो रिपल इफेक्ट रहेगा मतलब इसका कंटिन्यूअस इफेक्ट रहेगा इन स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी में एल्सवेयर टू मतलब कहने का मतलब और भी जगह इसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था, एंड इन डैट सेंस, इस सेंस में दिस इज एन ऑडिशियस मूव। कौन सा मूव, ये जो सोशल, जो इसने एक सीएम कैंडिडेट का जो अनाउंसमेंट किया उसके उस मूव की बात हो रही है कि ये क्या है, एक साहसीपूर्ण मूव है। विच विल, जो कि हैव रिपल इफेक्ट, जो इसका है कंटिन्यूस इफेक्ट रहेगा, कहाँ रहेगा, इट्स किसके लिए लगा, कांग्रेस के लिए लगा, इट्स किसके लिए लगा, कांग्रेस के लिए लगा। एल्सवेयर टू मतलब और भी जगह पे इसका क्या होगा, कंटिन्यूस इफेक्ट बना रहेगा, प्रभाव बना रहेगा। अब क्या है कि पार्टी लीडर राहुल गांधी, जो पार्टी के लीडर हैं कौन है, राहुल गांधी है ना, इज ड्राइविंग मोर एकोमोडेटिव कास्ट पॉलिटिक्स। वो क्या ड्राइव कर रहे हैं, वो किस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, ड्राइव करना मतलब गाड़ी चलाना नहीं, यहाँ पे आगे ले जाना, ठीक है, कुछ चीज़ों को आगे ले जाना। तो वो क्या लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अच्छा ये देखो, एकोमोडेटिव मतलब होता है कि किसी के भी विशेष में फिट हो जाना, ठीक है, कि किसी ने कुछ भी बोला तो उसमें फिट हो जाना। तो राहुल गांधी क्या लेके चल रहे हैं, क्या आगे लेके बढ़ रहे हैं, कास्ट पॉलिटिक्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। किस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हैं, कास्ट पॉलिटिक्स के लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो कहीं पर भी फिट हो सकता है। बट द अप्रोच इज, लेकिन यह जो अप्रोच है, कौन सी अप्रोच, ये कास्ट पॉलिटिक्स, एकोमोडेटिव कास्ट पॉलिटिक्स वाली जो अप्रोच है, किसकी, राहुल गांधी की, जिसको वो आगे लेके बढ़ रहे हैं। ये अप्रोच क्या है, इविडेंटली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से है ना, फेसिंग रेसिस्टेंस फ्रॉम विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड। ये क्या फेस कर रहे हैं, ये जो उनका मूव है, ये जो चीज़ें वो कर रहे हैं, ये क्या फेस कर रहे हैं, रेसिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ठीक है, विरोध फेस कर रहे हैं, कहाँ पे, फ्रॉम विद इन द पार्टी यानी कि पार्टी से भी और आउटसाइड से भी फेस कर रहे हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, देखो ये जो अप्रोच है वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, विरोध फेस कर रहा है, किससे, फ्रॉम रेसिस्टेंस फ्रॉम, ये एक साथ कर, ठीक है, मतलब विरोध करना, ठीक है, किसके, विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी, ठीक है। दलित्स इन पंजाब, जो दलित्स हैं, कहाँ के दलित्स हैं, पंजाब के, आर नॉट अ होमोजीनियस कैटेगरी, यानी कि उनकी जो कैटेगरी है एक समान नहीं है, होमोजीनियस मतलब एक समान नहीं होना। दलित्स यहाँ पे अपना क्या है, सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे आर लगा। दलित जो हैं हमारे जो पंजाब के, वो एक कैटेगरी के नहीं है, उनकी अलग अलग कैटेगरी हैं, है ना। दे आर डिवाइडेड इंटू 39 कास्ट, तो उनमें भी जो दलित है वो बटे हुए हैं, किस में बटे हुए हैं, 39 कास्ट्स में बटे हुए हैं, क्लस्टर्ड, यानी कि देखो कास्ट उनकी अलग अलग है लेकिन फिर भी वो क्लस्टर्ड है, एकजुट है, कैसे एकजुट है, अंडर डिफरेंट रिलीजियंस एंड सेक्ट्स कॉल्ड देराज, यानी कि वो इकट्ठे हैं किससे, डिफरेंट रिलीजियस और सेक्ट्स यानी कि संप्रदाय से, और उनको डेराज बना, उनका नाम डेराज रख दिया गया। देखो ये हुआ डेरा, ये इसका पूरा नाम, मान लो कि ये आपका पूरा नाम हो गया डेराज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे दलित्स हैं, ठीक है, वो क्या है कि डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, यानी कि उनकी अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग संप्रदाय है ना, लेकिन उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है और उस ग्रुप का नाम दे दिया है देराज, ठीक है, इतना पूरा समझ में आ गया होगा। देख किसकी बात हो रही है, दलित्स की बात हो रही है, डिवाइडेड के साथ क्या लगता है, इंटू लगता है, 39 इस है, इसलिए यहाँ पे कास्ट्स हैं,
क्लस्टर मतलब एक एक साथ होना है ना, अंडर यानी कि किसी के अंडर, डिफरेंट रिलीजन अलग अलग रिलीजन्स में एंड सेक्स में, लोकली कॉल और वहाँ पे लोकली लोकल उसको क्या बोला जाता है, डेराज बोला जाता है। मिस्टर चन्नी बिलोंग्स टू द रविदसिया कम्युनिटी ऑफ दलित्स, यानी कि जो ये मिस्टर चन्नी हैं वो किससे बिलोंग्स करते हैं, रविदसिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि दलित के अंदर आता है। मिनिस्कल पॉपुलेशन ऑफ द टोटल दलित्स, यानी कि वो क्या है कि बहुत ही कम है पॉपुलेशन में, मिनिस्कल मतलब होता है छोटा मात्रा, छोटी अमाउंट। तो उनकी जो रविदसिया कम्युनिटी है उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यहाँ से यहाँ तक आपको बता देती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो क्या हो रहा है कि कांग्रेस क्या रहती है, दूर रहती है किससे, सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स से दूर रहती है। और इस सेंस में ये क्या है, एक ऑडिशियस मूव है, एक ऑडिशियस साहसीपूर्ण काम है। और इसका इफेक्ट क्या रहेगा, हर जगह रहेगा, मतलब एल्सवर टू, मतलब और भी राज्यों में रहेगा। राहुल गांधी क्या करते हैं कि एकोमोडेटिव कास्ट पॉलिटिक्स को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह जो अप्रोच है वो क्या है, विरोध फेस कर रही है किससे, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। अब क्या है कि दलित जो है पंजाब में वो क्या है, एक समान कैटेगरी के नहीं हैं, वो क्या है 39 भागों में बटे हैं, ठीक है 39 कास्ट में बटे हुए हैं, लेकिन वो एक क्लस्टर के अंदर इकट्ठे हैं। उस क्लस्टर का नाम, उस क्लस्टर में क्या है कि डिफरेंट रिलीजियस और सेक्टर्स हैं, और उस क्लस्टर का नाम दे दिया गया डेराज। अब मिस्टर चन्नी जो है रविदसिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनकी संख्या है बहुत कम, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। वेदर ही कैन ग्लेबलाइज, ग्लेबलाइज मतलब प्रेरित करना, ए लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन शेयर्ड अमंग ऑल कम्युनिटीज ओवरली लुक्ड इन द ट्रेडिशनल पावर शेयरिंग मॉडल्स ऑफ द स्टेट रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि जो ये चन्नी जी हैं ये क्या उन सारी कम्युनिटीज जिनको अनदेखा किया गया है, किस चीज़ में, जो महत्वाकांक्षा है, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है ना, जो शेयर किया जाता है कम्युनिटीज़ में, वो अनदेखा किया गया है किसमें, पावर शेयरिंग में। तो क्या मिस्टर चन्नी इस चीज़ को सॉल्व कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसको प्रेरित कर सकेंगे नहीं करेंगे, ये एक खुला क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। कहने का मतलब है, देखो क्या कह रहे हैं, फिर से समझा दूँ। वेदर ही कैन ग्लेबनाइज यानी कि वो प्रेरित कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, क्या आगे कर सकते हैं, ए लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन शेयर्ड अमंग ऑल कम्युनिटीज, यानी कि बड़ी संख्या में जो महत्वाकांक्षा होती है पॉलिटिक्स को लेके, जो हर वो जो शेयर की जाती है कम्युनिटी के अंदर में, इसको क्या किया गया, अनदेखा किया गया है। किसमें अनदेखा किया गया, जो पावर शेयरिंग मॉडल है जिसमें बताया जाता है कि हम इस कम्युनिटी को इतना पावर देंगे, इस कम्युनिटी को इतना पावर देंगे, तो वो जो ट्रेडिशनल पावर शेयरिंग है उसको जो अनदेखा किया गया है, उसको क्या मिस्टर चन्नी प्रेरित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या है, एक खुला क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ग्लोबलाइज, ठीक है, ए लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन शेयर्ड अमंग इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे अमंग लगा, बिटवीन नहीं लगा, ऑल लगा तो ऑल के बाद हमारा प्लूरल नाउन आएगा, है ना, ये सही है। ओवरलुक्ड क्या है, हमारा वर्ब है, अनदेखा किया गया है ना। अब ट्रेडिशनल क्या है, अपना एडजेक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपना, रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन, ये अपना क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। बट मिस्टर चन्नी डिजर्व द सपोर्ट ही हैज फाउंड फ्रॉम द पार्टी, लेकिन मिस्टर चन्नी क्या है, डिजर्व करते हैं जो सपोर्ट, जो उनको सपोर्ट मिला है ना पार्टी के अंदर, वो सपोर्ट वो क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। क्यों डिजर्व करते हैं वो आगे बताया जाएगा, देखते हैं बताता है या नहीं। He has not been long enough in power to be judged for his track record as CM. यानी कि वो क्या हुए हैं, वो बहुत ही लंबे समय तक, long enough मतलब होता है लंबे समय तक, है ना, तो वो बहुत ही लंबे समय तक पावर में नहीं रहे, सत्ता में नहीं रहे, to be judged, जिससे उन्हें जज किया जा सके, किसके लिए, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड के लिए, किस लिए कि उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है, कैसा वो काम करते हैं, तो वो पावर में ज़्यादा दिन तक रहे नहीं, तो कैसे उनको हम ट्रैक कर सकते हैं।
बट मिस्टर चन्नी इज अ गुड स्टोरी टेलर, लेकिन चन्नीस्ट क्या है, मिस्टर चन्नी क्या है, एक बहुत ही गुड स्टोरी टेलर हैं, ठीक है, एंड हैज़ अ गुड स्टोरी, और उनके पास क्या है, एक अच्छी कहानी है, वो कहानी क्या है, विच आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर एनी सक्सेसफुल पॉलिटिक्स, यानी कि इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है मिर्च मसाला, ठीक है, तो वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपका इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे कहने का सेंस हो गया, एक सेकंड, इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एस्पेक्ट, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी है, एस्पेक्ट, एट्रीब्यूट, कंपोनेंट, एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब होगा एस्पेक्ट, तो ये एक अच्छा पहलू है, क्या है, एक अच्छा पहलू है, किस लिए पहलू है, एक सक्सेसफुल पॉलिटिक्स के लिए जो चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो मिस्टर चन्नी के पास हैं, ठीक है, और वो एक अच्छा काम कर सकती हैं, किसके लिए, मिस्टर चन्नी के लिए। अब आगे पढ़ते हैं, हिज प्रोमिनेंस विल इन ऑल लाइकलीहुड सेट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम जाट सिख्स एंड अपर कास्ट हिंदूज, क्या कह रहा है ये, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रोमिनेंस मतलब होता है प्रमुखता, ठीक है, प्रख्यातता, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी क्या है, प्रमुखता है, ठीक है, उनको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो ये क्यों हुआ है, विल इन ऑल लाइकलीहुड, ये संभवतः सेट ऑफ मतलब उत्पन्न हुआ है रिएक्शन, ये क्यों हुआ है, जो उनकी प्रख्यातता हुई है वो क्यों हुई है, वो इसलिए उत्पन्न हुई है रिएक्शन से, किसके रिएक्शन से, जाट सिख से और अपर कास्ट हिंदू से हुए हैं, ठीक है, जो रिएक्शंस आए हैं किससे, जाट सिख से और अपर कास्ट हिंदू से जो रिएक्शन आए हैं उनको लेके, उसकी वजह से उनकी क्या हुई है, प्रख्यातता हो गई है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, प्रोमिनेंस यहाँ पे अपना क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है, नाउन हुआ ये, सेट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम किससे, रिएक्शंस किसी से आते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम लगा है ना, कंसिडरेबल यानी कि मानने योग्य है ना, सेगमेंट ऑफ होम हैव बीन विद द कांग्रेस, और इसमें से बहुत ऐसे सेगमेंट थे, जैसे कि ये जो आपके जो रिएक्शंस हैं जाट सिख से और अपर कास्ट से, ये इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे, ठीक है, वो क्या थे, वो लोग क्या थे, कांग्रेस के साथ रहे हैं, ठीक है, इसके बावजूद भी उन्होंने रिएक्शन दिया था। अब क्या कर रहे हैं, ओपोनेंट्स, ओपोनेंट आखिर प्लूरल क्यों हुआ, क्योंकि जो विरोधी होंगे कांग्रेस के एक से ज़्यादा होंगे, तो जो विरोधी हैं कांग्रेस के कौन कौन है, श्रीमान अकाली दल, बीएसपी अलायंस, ठीक है, इनका जो गठबंधन है, श्रीमान अकाली और बीएसपी का जो गठबंधन है, बीजेपी लेड द आम आदमी, बीजेपी लेड अलायंस, जो बीजेपी के साथ अलायंस में है, गठबंधन में है वो, और जो आम आदमी पार्टी है, ये तीनों क्या करेंगे, विल ऑल ट्राई, ये सभी क्या करेंगे, इनफ्लेम मतलब भड़काना, रिसेसमेंट मतलब नाराजगी अमंग द दीज कम्युनिटीज़ टू कॉर्नर द कांग्रेस, यानी कि ये जो कम्युनिटीज़ है, यहाँ पे जो ऊपर कम्युनिटीज़ की बात कही, जाट सिख्स की, अपर कास्ट हिंदूज़ की, ये सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर क्या करेंगे, ये जो ओपोनेंट्स हैं है ना, ये कोशिश करेंगे कि ये इनको भड़काएं, इनको नाराज करें, इनकी नाराज़गी को भड़काएं, ताकि वो कांग्रेस को क्या करे, कॉर्नर कर सके, मतलब एक तरफ कर सके, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब हुआ। अब देखो क्या कह रहा है, द कांग्रेस इज अक्यूज्ड ऑफ, यानी कि कांग्रेस आरोपित रहा है, ठीक है, किस चीज़ का, ऑफ प्लेइंग कास्ट पॉलिटिक्स, यानी कि कांग्रेस को हमेशा ये आरोप किया गया है कि भाई आप तो कास्ट पॉलिटिक्स करते हो, ठीक है, बाय कैसे करते हो, बाय प्रमोटिंग दलित, यानी कि एक दलित को प्रमोट करके आप क्या कर रहे हो, कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हो, एंड इट इज़ नोटेबल, और ये समझने वाली बात है, द रोटेशन ऑफ पावर अमोंग द डोमिनेंट जाट सिख्स फॉर डिकेड्स रियली कॉज सच कंसर्न, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो रोटेशन हुआ है, जैसे कि बोला ना कि 1977 के बाद कोई भी जाट का सिख नॉन जाट सीएम नहीं बना है, तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो रोटेशन हो रहा है, ये जो बार बार जाट सिख से क्या बन रहे, दावेदार बन रहे हैं, सीएम पद के दावेदार बन रहे हैं, तो ये जो रोटेशन हो रहा है पावर का जाट सिख्स में, कब से, लंबे समय से, डिकेड से, ऐसी चिंताएं उनमें तो नहीं दिखी, ऐसी जो चिंताएं हैं, कॉन्सर्न है, उस टाइम तो नहीं दिखी, लेकिन कांग्रेस के टाइम में जब उसने दलित को फेस को आगे किया, तो ये बोल दिया गया कि आप कास्ट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से समझते हैं, एंड इट इज़ नोटेबल, ये समझने वाली बात है, द रोटेशन ऑफ पावर, जो पावर का रोटेशन हुआ है किसमें, अमॉन्ग द डोमिनेंट जाट सिख्स, यानी कि जाट सिख्स के बीच में जो डोमिनेंट है, यानी कि जिनका दबदबा है,
फॉर डिकेड्स यानी कि सालों से रेयरली यानी कि मुश्किल से कॉज्ड मतलब कारण बना है सच कंसर्न मतलब ऐसी जो चिंताएं दिखाई जा रही हैं कि आप कास्ट पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हो ऐसी जो कंसर्न है ऐसी जो चिंता है जब पावर का रोटेशन हो रहा था जाट के बीच में तब तो नहीं दिखाई गई। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कौन ऑथर। अब आगे बढ़ते हैं परहैप्स शायद डैट itself is proof that Mr. चन्नी deserved this chance और शायद ये प्रूफ करता है कि Mr. चन्नी ये चांस डिजर्व करते हैं। ठीक है सो गाइज ये रहा आज का एडिटोरियल। अब थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक मैं आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आपको उस कहानी पूरा समझ में आ जाए। देखो कहाँ तक मैंने बताया था यहाँ तक। अब जो मिस्टर चन्नी है रवि दसिया कम्युनिटी से हैं अब उनकी संख्या कम है। अब ये देखा जाता है कि जो मिस्टर चन्नी है वो आगे लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ये जो महत्वाकांक्षा जो कम्युनिटीज़ के अंदर जो सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है कम्युनिटीज़ के अंदर इसको हमेशा अनदिखा किया गया है ना। तो क्या चन्नी इसको आगे ले जा सकते हैं सुधार सकते हैं ये एक खुला क्वेश्चन है। लेकिन चन्नी जो सपोर्ट मिला है पार्टी से वो डिजर्व करते हैं। वो क्या है कि बहुत दिनों से लंबे समय से पावर में रहे नहीं है ताकि उनकी रिकॉर्ड को ट्रैक किया जा सके कि वो कैसा काम करते हैं क्या करते हैं। लेकिन वो क्या है एक अच्छी कहानी बनाते हैं एक अच्छा मतलब एक अच्छा काम करने वाले इंसान है यानी कि उनके पास गुड स्टोरी टेलर है। ठीक है और ये क्या है ये एक अच्छा इंग्रेडिएंट है क्या सक्सेसफुल पॉलिटिक्स का। और उनका जो प्रख्यातियाँ है ना वो कैसे हुआ वो स्टार्ट हुआ जाट सिक्स और अपर कास्ट का जो लोग थे उनके रिएक्शन से है ना। अब जो ओपोनेंट्स है कांग्रेस की कौन कौन अकाली दल बीएसपी और आम आदमी पार्टी ये क्या कर रहे हैं कि ये उकसा रहे हैं किसको नाराजगी को उकसा रहे हैं इन कम्युनिटीज़ में ताकि वो कांग्रेस को एकतरफा कर सकें। अब कांग्रेस पे हमेशा ये आरोप लगाया गया कि भाई तुम तो जाट पॉलिटिक्स को ये कास्ट पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हो। लेकिन ये जो एक्विजिशन है ये तो उस समय किसी को याद नहीं आया जब क्या हुआ था कि जाट सिक्स क्या हो रहे थे कि डिकेड से बस उनके ही सीएम हो रहे थे। अब शायद यही रीज़न है कि चन्नी बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं इस चांस को पाना है ना। बोल्ड मतलब होता है साहसी करेजियस कॉन्फिडेंट। गैम्बल मतलब होता है जोखिम। प्रोजेक्शन मतलब होता है एस्टिमेशन फॉरकास्ट प्रिडिक्शन एक्सपेक्टेशन। एलिवेशन मतलब होता है प्रदोन्नति। एक्सीडेंटल मतलब होता है कि आकस्मिक ठीक है ना। अनइंटेंशन मतलब जिसका इंटेंशन नहीं हुआ था और अनइंटेंशनली हो गया। आउटकम मतलब परिणाम रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेज इफेक्ट। राइवली मतलब प्रतिस्पर्धिता कंपटीशन कॉम्पिटिटिव ठीक है। रेटिशेंट मतलब आपको बताया था मैंने क्विट रिस्टेंट। प्रोजेक्शन मतलब अनुमान लगाना। ऑफन मतलब प्राय। अनप्रेसिडेंट मतलब अभूतपूर्व नेवर डन। और इंस्टेंस मतलब उदाहरण ठीक है। नेसेसिटेटेड मतलब आवश्यक बनाना जरूरी बन जाना। यूनिक मतलब विशिष्ट रूप से। वोलेटाइल मतलब अस्थिर। सोशल डायनेमिक मतलब सोशल चेंजेस। और एट द मोमेंट मतलब इस समय पर। इंट्रेंच मतलब होता है लंबे समय से स्थापित। सोशल अलाइनमेंट सामाजिक गठजोड़। अनरेबल मतलब होता है सुलझना। नीट मतलब एकजुट होना यूनाइट होना बिकम। वाइबल मतलब होता है वर्केबल यानी कि वाइबल मतलब वर्केबल कोई ऐसी चीज़ जो काम कर रही है फिजिबल व्यवहारिक हो। इलेक्टोरल मतलब चुनावी दलित फेस आपको पता है। एक्सिस मतलब होता है कॉर्नर कोर पे सेंटर पे। बीट चाहे डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व प्रभाव। साइड अवे मतलब दूर रहना। प्रोनाउंस मतलब स्पष्ट विशिष्ट। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय। ऑडिशियस मतलब फिर से साहसी। बोल्ड डेयरिंग मूव मतलब कदम। रिपल इफेक्ट मतलब द कंटिन्यूइंग एंड स्प्रेडिंग रिजल्ट ऑफ इवेंट यानी कि ऐसा कोई कार्य जिसका प्रभाव बहुत दिन तक रहे उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। ड्राइव मतलब चलाना। एकोमोडेटिव मतलब उदार ठीक है। विलिंग टू फिट इन विद समवन्स विशेष और नीड्स। एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। रेसिस्टेंस मतलब दूर विरोध करना। अपोजिशन हॉस्टिलिटी। होमोजीनियस मतलब एक जैसा एक समान एक जातीय। क्लस्टर मतलब समूह। सेक्स मतलब समुदाय। डेरास पता ही है मैंने बताया। मिनिस्कल मतलब नगण्य बहुत ही कम छोटी मात्रा में। ग्लेबनाइज मतलब इम्पेल स्पर एक्साइट एनर्जाइज
इंस्पायर प्रेरित करना, ओवरलुक अनदेखा करना, और ओपन क्वेश्चन पता है इंग्रेडिएंट मतलब एस्पेक्ट पहलू, एट्रीब्यूट कंपोनेंट, और प्रोमिनेंस मतलब प्रमुखता। सो गाइज ये रहा आज का एडिटोरियल, कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए ऑल द बेस्ट।